शीतकालीन सत्र का पहला दिन प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। एसडीएम ऑफिस को लेकर गहमा गहमी का माहौल। विधायकों ने ली शपथ। आरके हिमाचल न्यूज के लिए विनय महाजन की रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही गहमा गहमी का माहौल बना। प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस भाजपा काल के कार्यों को डी नोटिफाइड कर रही है, जो सरकार की सरासर गलत नीति है। सरकार को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। मौजूदा सरकार जनता को दी गई सुविधाओं को छीनने का काम कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि 23 विधायक चुनकर आए हैं, उनकी शपथ के बाद ही चर्चा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पहले व दूसरे नंबर पर प्रतिपक्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीसरे नंबर पर शपथ ग्रहण की। इसके बाद क्रमशः चुरा के विधायक हंसराज, भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज, नीरज नायर, विधायक चंबा जीएस ठाकुर ढलोजी, कुलदीप सिंह पठानिया भटियात व नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निक्का ने ग्रहण की शपथ।